व्लॉग स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बाइक का व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि अभिजीत भाई रुक नहीं रहे मेरे लिए, उनको काम चालू करने की जल्दी है। तो बिफोर वाला व्यू देख लो पहले कि अपनी गाड़ी ऐसी दिखती थी, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स एंड राइट नाउ वी आर हियर विद बाइकर ज्ञानी। ऐसे नहीं है, थोड़ा नीचे करके लो ना, आपका हाइट ज्यादा है, मेरा कम है, बस अब ठीक है। हाँ। वो ऐसा नहीं हूँ क्या किया, ओए किया हाँ। चलो ये पहचान है इनकी। वेल हम लोग अभी है महा ऑटो व्हील्स पे पनवेल में। सो यहाँ पे अभी अपनी दुल्हन सजने वाली है। सो एज ऑफ नाउ क्या क्या कर रहे हैं हम अभिजीत भाई? पहले तो नामकरण करो इसका। नामकरण करेंगे बाद में, अभी चलो सब्सक्राइबर्स आप ही बता दो क्या नामकरण किया जाए इनका। अभी लास्ट टाइम आपको चांस मिला नहीं था, सही पापा ने ऐसे ही फर्स्ट शॉट में नाम बोल दिया था। मतलब मैंने ऑन वीडियो सवाल पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए अपनी TRK का, और पीछे से पापा ने बोल दिया रेड बुल। तो जितने भी कमेंट्स आए ना, सब लोग बोल रहे हैं यार रेड बुल ही अच्छा है, वही तो एनर्जी मिली इनको। सो अभी इसका नाम आप लोग बताओ, इसका नाम हम नहीं डिसाइड करेंगे, है ना? तो अभी क्या क्या करना है अपने को? अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, पैनियर रैक लगाना है, IPH लैंप्स लगानी है, टॉप बॉक्स लगाना है, बैश प्लेट लगानी है। ये बैश प्लेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा अगर आपने TRK के वीडियोस देखे हैं। एमसील ना लगाना पड़े इसलिए बैश प्लेट लगाना है। और अरे इसको भूल गए ना, दिस इज स्पेशली फॉर प्रियंका, पिलियन फुटरेस्ट। जब तक ये नहीं लगता तब तक वो कंफर्टेबली बैठती नहीं है बाइक पे। सो नो इट्स नॉट लाइक दैट, ये लेफ्ट वाला है, ऐसा लगेगा ये दिस वे, सो दैट पूरा पैर उस पर रह सके। पिलियन फुटरेस्ट जाना का है, बैश प्लेट मोटोटॉक की है, टॉप बॉक्स कुकेस का है, सैडल स्टे भी कुकेस का ही है ना? यस yes. और ये लैंप IPH का है। अभी इसके अलावा और काम करते करते अगर कुछ पता चला कि चलो ये भी अच्छा है तो लग जाएगा फिलहाल। और एक कंफ्यूजन है, चलो इस कंफ्यूजन का जवाब भी आपसे ही पूछ लेते हैं। हम लोग के बीच में डिस्कशन चल रहा है, थोड़ी सी बहस चल रही है, वेदर टू गो फॉर सैडल बैग्स और पैनियर्स। कमेंट करके बताओ। हाँ कमेंट, या फिर इंस्टाग्राम पे भी ये पोल डाल दूंगा मैं, तो उसमें भी आप कमेंट कर वोट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम सीरियसली नॉट एबल टू डिसाइड कि इसमें सैडल बैग लगाना है या पैनियर लगाना है, हार्ड केस पैनियर। सो ये डिसीजन आप पे है, नाम वाला डिसीजन आप पे है। अभी फिलहाल इसकी सजावट चालू करते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद मेन काम खत्म, फुल ऑफ पजल। सैडल स्टे पहेली उलझा रहे थे इतने टाइम से हम, सैडल स्टे उलझा नहीं सुलझा रहे थे, पैनियर रैक है इसके लिए टाइम क्या। सो बेसिकली ये जो सैडल स्टे लगा हुआ है, दिस इज यूनिवर्सल पैनियर रैक, तो इसमें हम कोई भी पैनियर बॉक्स अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। सैडल बैग तो ऐसे ही इस पे आ जाएगा, बट पैनियर भी अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द ऑप्शंस ओपन, लेकिन बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है ये, अभी फाइनल फिटिंग्स करते हुए। अच्छा उसके साथ फुटरेस्ट भी लग गया है, फुटरेस्ट का काम हो गया अपना। अरे पाजी सो गए, हम भी सो जाते हैं, लग गई सो नहीं तो ये भी काम हो गया। टॉप बॉक्स का फाइनल लुक कुछ ऐसा है, 55 लीटर्स का टॉप बॉक्स है ये कुकीज का, विथ बैकरेस्ट एंड एवरीथिंग एकदम परफेक्ट। इसका इंटरनल कुशनिंग भी बहुत अच्छा है। आपको जरा गाड़ी स्टैंड से निकालना पड़ेगा। या निकालता हूँ, नाइस। आज के लिए बस इतना ही भाजी। यस कल कंटिन्यू करेंगे लाइट फिटिंग और जो छोटा मोटा काम है। लाइट फिटिंग छोटा मोटा काम, और अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ पैनियर्स का। सब्सक्राइबर्स बताओ इनको क्या किया जाए। ये अच्छी बात है, ये है असली यूट्यूबर, हर चीज़ सब्सक्राइबर से पूछो, अपने सब्सक्राइबर्स ही वीडियो नहीं देखते। कोई नहीं, हम देखेंगे बार बार देखेंगे, व्यूज बढ़ाएंगे, हम खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि पैनियर मिटाओ, सैडल स्टे सैडल बैग मत डालो,
सौरभ सुनेगा ना गालियाँ देगा। वो तो है ना आपके पास में, लोकली आप यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं कल, एक काम करेंगे अभी ना, रात को घर जाने के बाद सुबह अपने पास जो सैडल बैग है वो इस पे डाल के मैं उसका फोटो या वीडियो इसमें इसी वीडियो में डाल देता हूँ। तो आप बताओ सैडल बैग कैसा दिख रहा है एंड वेदर वी शुड गो फॉर पैनियर्स और नॉट। तो सुबह इधर आने से पहले वो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है? अभी के लिए गुड नाइट। ऑल राइट, इट्स डे टू ऑफ द एसेसरीज वर्क, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने सैडल बैग्स इंस्टॉल कर दिए बाइक पे। बाय द वे दिस इज़ बिकॉज अभी सुबह के सिर्फ 11 बजे, 11 भी पूरे बजे नहीं है एंड द टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी 44 डिग्रीज हियर। सो करजत इज़ बिकमिंग लाइक हेल। सो हालत ख़राब होगी स्वेट से सिर्फ सैडल बैग बांधते बांधते। बट सैडल बैग्स लगने के बाद बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। दिस इज़ द साइड व्यू, चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको सो दैट आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये फ्रंट लुक, दिस इज फ्रॉम द अदर साइड, और पीछे से भी देख लेते हैं। सो इनविक्टस का राइड मार्शल सैडल बैग सीरीज है ये, एंड ये बैग्स तो अपने TRK पे भी थे। अगर आपने पहले वीडियोस देखे हुए हैं, आप पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये बैग्स तो पता होंगे। बट द मेन क्वेश्चन राइट नाउ एज वी आस्क्ड यस्टरडे कि ये सैडल बैग्स ही यूज़ करने हैं या हार्ड केस एल्यूमिनियम पैनियर्स लगाने हैं। एब्सोल्युटली मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इन दो चीज़ों के बीच में। तो आपका ओपिनियन मुझे चाहिए इस बारे में, आप डिसाइड करके कमेंट करिए। तब तक मैं रेडी होके निकलता हूँ बिकॉज अपना ऑक्सिलरी लाइट्स का वर्ड काम बाकी है, तो अभी वापस अभिजीत भाई के पास जाना है। तो चलो आज थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी कर लेंगे, बाइक पे मिलते हैं। ऑल राइट लेट्स गो। गियर अप होके गाड़ी पे बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने तक ही पूरा पसीने से स्नान हो गया। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा विंड का आवाज़ आ रहा है बिकॉज हेलमेट का वाइज़र डाउन रख के चला ही नहीं पा रहा हूँ। वाइज़र ओपन रख के थोड़ी तो हवा मिलती है, स्पेशली पिछले 5 मिनट से इसके पीछे चल रहा हूँ, ओवरटेक भी नहीं मिल रहा है। एनीवेज एक्चुअली अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है बाइक की डिलीवरी का, तो डिलीवरी वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आज ही के दिन 400 किलोमीटर का राइड होने वाला है, तो हाईवे पे कितना माइलेज मिलता है वो भी आपको आज के आज पता चल जाएगा। बट उस दिन मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि 360 किलोमीटर राइड करके घर पहुंचा लेकिन पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हुआ। राइट नाउ इट इज़ 446 किलोमीटर। इफ़ यू रिमेंबर हमने पेट्रोल भरा था जब ओडो था 7 किलोमीटर्स पे, मतलब 440 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है, और अभी फिलहाल रेंज टू एम्प्टी दिखा रहा है 45 किलोमीटर्स, मतलब 475-480 के आसपास टोटल चलेगी। ओडोमीटर राइट नाउ लेट मी जस्ट चेक, क्वांटिटी 1.92 और प्राइस पर लीटर इज 103.93 पार्शियल टैंक। ओके सो ये हो गया सेव। अभी तो ये नॉट एप्लीकेबल ही दिखाएगा क्योंकि पार्शियल टैंक है, जब फुल टैंक करेंगे तभी माइलेज पता चलेगा। ये हमेशा का नाटक है, लेकिन हाईवे वाले पंप्स में ये पावर स्पीड एक्स्ट्रा प्रीमियम रखते ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उनके पास होता है लेकिन देते नहीं है। चाहकर भी अच्छा पेट्रोल नहीं डाल सकते। ओके अभी अगला स्टॉप डायरेक्टली महा ऑटो व्हील्स, लेट्स गो। पूछ लो रे बाबा, एकदम से पूछ लो, हालत खराब हो रही है यार गर्मी से। क्या है ये पूरा महीना बाकी है मई का,
देखो 43 डिग्री अभी भी है पनवेल में भी। मुझे लगा था हमारे यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि आजू बाजू में पूरे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे भी वही हालत है। एनीवेज ये रहा अपना डेस्टिनेशन महा ऑटो व्हील्स पनवेल। ऑलराइट, सो इतना तो पता चला अपने को कि सैडल बैग्स की वजह से स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है, अच्छी खासी चल रही है गाड़ी सैडल बैग साथ भी। अभी मिलते हैं अभिजीत भाई से और फिर आगे का काम चालू करते हैं। मैंने बाइक पर से उतरते वक्त बोला अभिजीत भाई से मिलते हैं फिर काम चालू करेंगे, अंदर जाके फ़ोन रेडी करके वापस आने तक काम चालू। अच्छा पाजी, आपको एक और काम देने वाला हूँ आज, आपकी बाइक पे पैनियर लगाने हैं। ओके डन, है ना। उस पर पैनियर लगाएंगे, मतलब आपका तो ऑलरेडी लगा हुआ है, माउंट करेंगे, ये सैडल बैग लगे हुए हैं। तो बेसिकली अपना अभिजीत भाई का TRK इधर खड़ा रहेगा विद पैनियर्स और अपनी बाइक खड़ी रहेगी विद सैडल बैग्स, सो दैट दोनों के लुक्स देख के हम डिसाइड कर पाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि अपनी बाइक पे सैडल बैग ही रहेगी या पैनियर लगेंगे। बिकॉज इट्स टोटली योर कॉल नाउ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो लाइट्स का काम कर दे, लाइट्स के लिए टैंक निकालना पड़ेगा बिकॉज विश्वसनीय सूत्रांकडून आम्हाला समजलं आहे असं की इसके नीचे रॉयल एनफील्डने कुछ तो जुगाड़ दिया हुआ है एसेसरीज का, तो ढूंढ रहे अभी फिलहाल उसको। ओके, वी फाउंड इट। ये रेड कलर का जो सॉकेट है इसके साथ ये टैग लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ है एसेसरी, मतलब अपने को बैटरी से या किसी फ्यूज से डायरेक्ट वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी टैग तो मैंने खींचते वक्त वो हाथ में आ गया मेरे, बट नाउ वी नो कि इसका सॉकेट नहीं है अपने पास, इसमें जो भी है अपना आगे का वायरिंग लगेगा। सबसे बड़ा और सबसे ट्रिकी काम कंप्लीट, इनके अलावा किसी से इसकी वायरिंग होती नहीं है। ये लगाने के लिए स्पेशली दूर दूर से लोग मेरे पास में आते हैं इसकी वायरिंग करने के लिए। कौन सा लाइट है ये? IPH लैंप है, जो वाइट भी है, येलो भी है, ड्यूअल भी है और अपर डिपर भी है। मतलब वाइट भी चलेगा, येलो भी चलेगा, वाइट येलो एक साथ भी चलेगा, और अपर डिपर भी है। अच्छा, इसमें अपर डिपर भी है। ओके, वाइट हो जाएगा, वाइट प्लस वाइट अपर, वाइट प्लस येलो अपर और येलो प्लस येलो अपर। अच्छा, तीन वेरिएशन। अच्छा, तो उसकी वजह से इसमें दो स्विच आते हैं। ओके, दिस इज समथिंग। सो बेसिकली क्रैश गार्ड वगैरह पे लगाते हैं ऑक्स लाइट, लेकिन हमने सोचा कि ये जो मेन फ्रेम है इसी पे लगाएंगे तो हेडलाइट के लेवल में ही रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, सो दैट उसका थ्रो भी उसी लेवल में आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट फिटिंग हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, ये शायद अभी किसी भी वीडियो में नहीं है, कि इसमें जो एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है, हम लोग सोच रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे कि वो एसेसरी सॉकेट में करंट क्यों नहीं आ रहा है, बट वो गाड़ी चालू करने के बाद में एग्जैक्टली सो सिर्फ इग्निशन ऑन करने के बाद एसेसरी सॉकेट में करंट नहीं आएगा, बाइक ऑन होने के बाद ही एसेसरी सॉकेट चलता है, उसके बाद ही ये लाइट्स वगैरह लगेंगे। एसेसरी सॉकेट से आप जो भी ले रहे हो वो बाइक ऑन होने के, बाइक चालू होने के बाद ही चलेगा। सॉकेट का फ्यूज यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, यस, इसमें अलग से फ्यूज दिया हुआ है, सो अगर अभी ये लाइट्स को कुछ भी होता है तो सिर्फ एसेसरी का फ्यूज जाएगा, जबकि बाकी कहीं से हम अगर करंट लेते हैं तो वो वाला फ्यूज और वो वायरिंग भी डैमेज हो सकता है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। बाकी सब हो गया, अपना गाड़ी रेडी, और अभी हम आए अभिजीत भाई के घर पे, जहाँ पे इनके पैनियर्स और टॉप बॉक्स इंस्टॉल होंगे इस गाड़ी पे। अभी ऑब्वियसली अपने को गाड़ी को कंपेयर नहीं करना है, TRK को हिमालयन से कंपेयर नहीं कर सकते, बस सैडल बैग को पैनियर से कंपेयर करना है। वैसे पाजी, अभी अभी टेस्ट राइड लेके आए हिमालयन का, कैसा लगा? मज़ा आ गया, फर्स्ट क्लास। ही इज़ वन ऑफ द आर्डेंट हेटर्स ऑफ RE। जय हिमालयन। ऑलराइट, इट्स शो टाइम। लगता है हमने ना डिसाइड कर लिया है कि आज जो लोग बोलते हैं ना कि हिमालयन बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, वो सबको दिखा देना है कि हिमालयन कितनी छोटी गाड़ी है, बिकॉज उसके साइड में लग गई है उसे डबल साइज की गाड़ी। सो नाउ यू कैन सी अपनी बाइक पे इन्विक्टस का सैडल बैग लगा हुआ है, ये भी अराउंड 70-72 लीटर्स, मतलब 36 इंच या 35 इंच ऐसा कुछ है ना राइड मार्शल, 72 इन टोटल। हाँ, और वो भी 72 ही है ऑलमोस्ट, 36 इंच, लेकिन उसमें 36 का पूरा एक बॉक्स आता है, इसमें 36 एक दो तीन चार पॉकेट सब पकड़ के आता है, सो दैट्स द डिफरेंस। लेकिन ओवरऑल ये देखना
ऐसा लुक है दोनों बाइक्स का। सो व्हाट आई वांट यू टू टेल मी इन कमेंट्स कि अपने को पैनियर लगानी चाहिए या सैडल बैग रखना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो इस पे, क्योंकि ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैनियर्स के लिए ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो अभिजीत भाई मुझे पैनियर्स गिफ्ट करेंगे। महाऑटो इसका स्टिकर लगाएंगे ना हम उस पर, सौजन्य। नो प्रॉब्लम सर। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट, क्योंकि अभी बाकी पूरा काम हो गया है। लुक एट द फाइनल फिनिश ऑफ IPH लाइट्स। अभी घर जाते जाते अगर अंधेरा होता है तो इसका मैं टेस्टिंग भी आपको दिखा दूंगा। वीडियो के एंड तक आप रुकेंगे तो शायद आपको इसका टेस्टिंग भी देखने मिल जाए। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट वीडियो से अपना माइलेज टेस्ट भी पेंडिंग है, वो भी अभी जाते जाते करेंगे। सो थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग होगा जाते वक्त। दोनों बाइक्स का पिछवाड़ा, ये इन्विक्टस के सैडल बैग्स है जो कुंदन भाई के फेवरेट है। यस, टॉप नॉच क्वालिटी। बाइक बदलती है, सैडल बैग नहीं बदलते। आपका ओपिनियन क्या है भाजी? सौरभ भाई मार देंगे। मतलब अभिजीत भाई को तो पैनियर्स चाहिए। चलो, एक वोट पैनियर्स को आ गया है अभी। बाकी आप लोग जल्दी वोट करो, वोट करो मतलब कमेंट करो, कमेंट करके बताओ क्या रखना है। तब तक मैं गियर अप होके, देखो हालत क्या हो रही है, गियर अप होके निकलता हूँ यहाँ से और जाते जाते फिर बात करेंगे। चलो, बैक ऑन द रोड। आई होप आपने वीडियो पॉज करके पैनियर वर्सेस सैडल स्टे वाले डिबेट में आपका कीमती वोट दिया होगा। देश में चल रहा है चुनाव का पर्व, वोट जरूर करें। अभी सबसे पहला काम अपने को करना है, फ्यूल अप करना है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमने सिर्फ 200 का ही पेट्रोल डाला था। तो अभी यहाँ पे शेल का पंप है, लेट्स गो एंड फ्यूल अप विद शेल। ऑल राइट, तो टैंक फुल। शेल पे कंपलसरी बाइक से नीचे उतरना पड़ता है, तो हो गया काम अपना। लेट्स सी, इट्स टाइम टू रिवील। ये नहीं रिवील करना है कि फाइनली अपने को माइलेज कितना मिला है फर्स्ट फ्यूल अप पे। किधर गया सिंपली ऑटो? राइट, एड फिल अप। ओडोमीटर है 476, क्वांटिटी गई है 13.25, प्राइस पर लीटर इतने चेल मार का था 117.17। ये सादा पेट्रोल है इनका, वी पावर वाला 124 रुपए के ऊपर है। ऑल राइट, लेट्स सेव इट। 30.92 किलोमीटर्स पर लीटर, सो ऑलमोस्ट 31 का एवरेज मिला है अपने को। लेट्स मूव। 6:30 बजने को है लेकिन फिर भी 37 डिग्री टेम्परेचर है यार, गर्म हो रहा है यार, बेकार। मजा बाबा तू आदिजा। ऑलराइट, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। अभी बस आपके कमेंट्स पढ़ना बाकी है, कमेंट्स पढ़ूंगा तो आगे का डिसीजन हो पाएगा। और लाइट्स का टेस्टिंग आपको दिखाना है तो इसका एक सेपरेट रील डाल दूंगा मैं, और वही फुटेज जो बाद में मैं शूट करूंगा इस वीडियो के एंड में आएगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टे टिल द एंड, एकदम लास्ट में आपको ये लाइट का टेस्टिंग का वीडियो भी देखने मिलेगा। इफ़ नॉट, अभी गुड बाय कह सकते हैं। मैं भी अभी घर पहुंचूंगा और थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इस नई बाइक पे किसी नए एडवेंचर के साथ। आपके पास अभी दो काम है, पहला काम है बाइक के लिए नाम सजेस्ट करना और दूसरा काम है कमेंट करके बताना पैनियर्स या सैडल बैग। दोनों काम करिए, दोनों के कमेंट्स करिए और मिलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।